गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी हम पुणे पहुंच चुके हैं। और जैसे कि मैंने कहा था कि पुणे पहुंच के हमारा प्लान था कि अगर कोई अच्छा साइट सीन हमें देखने को मिले तो उसी हिसाब से हमने एक ऑटो बुक किया है और निकल पड़े हैं साइट सीन के लिए। थोड़ा बहुत कुछ जो भी होता है हम लोग देखेंगे। तो उसके हिसाब से सबसे पहले हम आ चुके हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, सद्गुरु श्री जंगली महाराज मंदिर। मुझे पता नहीं है अंदर क्या है, चल के अंदर देखते हैं। और मैं बोलना चाहती हूँ कि पुणे में अभी ठंड तो मुझे बहुत ज़्यादा ही लग रहा है मेरी आवाज़ भी बैठ गई है काफ़ी। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं मंदिर के अंदर क्या है। तो ये आप देख रहे हो, थोड़ा थोड़ा सीढ़ियाँ चल के हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये देखिए, ये टेम्पल है। और ये मंदिर का एक छोटा सा एरिया है। अंदर चल के देखते हैं। सो आप सब देख सकते हो, ये भगवान जी हैं जिनके नाम से शायद ये मंदिर होगा। सुबह सुबह का टाइम है, बहुत सारे लोग नहीं हैं अभी, तो आधे से ज़्यादा साइट सीन स्पॉट ही नहीं खुले हैं। पर देखते हैं कितना कवर आप कर सकते हैं, और जितना कवर करेंगे उतना ही मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो चलिए अंदर चलते हैं मंदिर के। तो आप सब देख रहे हो, पूजा स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे। अभी चलते हैं बाहर और देखते हैं नेक्स्ट साइट सीइंग स्पॉट क्या है। अभी ये बिल्कुल मंदिर के पास में ही एक छोटा सा किला देखने को मिला है, मैं ऊपर से दिखा देती हूँ आपको। तो अभी हम आए हैं, पातालेश्वर मंदिर है, शायद लक्ष्मी मंदिर है वो देखने के लिए। चलिए देखते हैं आगे कैसा है मंदिर और आपके साथ शेयर करते हैं। काफ़ी पुराना मंदिर है, एरिया देख के ऐसा भी लग रहा है। सो अंदर से मंदिर ऐसे दिखती है, अभी तक फुल्ली ओपन नहीं हुआ है तो मैं बाहर से थोड़ा दिखा देती हूँ आपको। हमारी पुणे से कनेक्टिंग फ्लाइट है कोलकाता के लिए, तो इसीलिए मैं ज़्यादा दूर दूर की साइट से नहीं दिखा पा रही हूँ। बस एयरपोर्ट के आसपास जो जो है मैं वही दिखाने के लिए, मतलब वही दिखाने की आपको कोशिश कर रही हूँ। सो वीडियो देखते देखते मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। सो बाहर से तो मैंने आपको ये जगह दिखा दिया है, अभी चलते हैं इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर की व्यू ना मुझे बिल्कुल एक गुफा जैसी लग रही थी। तो अंदर से तो बाहर से मैंने दरवाज़ा दिखाया, तो ये देखिए अभी मैं इस गुफा के अंदर आ चुकी हूँ। और यहाँ आते ही हमें देखने को मिल रहा है तीनों दरवाज़ा, जिसके अंदर एक एक भगवान है। किसी में शिव जी है, किसी में पातालेश्वर देवी है, किसी में लक्ष्मी देवी है। देखिए शिवलिंग आप देख सकते हो। सुबह का टाइम था इसीलिए दरवाज़ा इन्होंने ओपन नहीं किया था, मंदिर फुल्ली ओपन नहीं हुआ था, बस थोड़ा सा ही बाहर से खुला था। तो मैंने सोचा थोड़ा अंदर जाके अंदर वाला व्यू आपके साथ जितना हो सके उतना ही शेयर कर दूँ। ये देखिए, ये भी कोई लोकल भगवान जी की ही मूर्ति है, मुझे एग्जैक्ट भगवान जी का नाम नहीं पता है, बट सुबह सुबह थोड़ा सा पूजा करके ये लोग चले गए थे। लेकिन ये जगह अंदर घूमने में ना बिल्कुल एक गुफा जैसी ही फीलिंग दे रही थी, आपको भी देख के पता चल रहा होगा।
ये मंदिर काफ़ी पुराना है और बिल्कुल गुफा जैसा ही है। यहाँ पे और तीनों स्टैचू आप देख सकते हो। ये भी किसी भगवान जी के होंगे। एक बार मैं पीछे और चल के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, बिल्कुल लग रहा है ना ये गुफा जैसी। मंदिर के बाहर से मैंने आपको दिखाया, सोचा अंदर से परिक्रमा करके भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, एकदम पत्थर जैसी और गुफा जैसी फीलिंग्स आ रही है मुझे। सुबह सुबह का टाइम था इसलिए उतना लोग भी नहीं आए हैं, पर सुना है इस मंदिर की मान्यता वहाँ पे बहुत है, तो जितना शायद ढलता जाएगा टाइम, बढ़ता जाएगा टाइम, उतने ही लोग यहाँ पे आएंगे। फिलहाल तो हम ही थे और बस एक ही जन था हमारे साथ भगवान जी के दर्शन के लिए। ये देखिए सामने की तरफ तीनों दरवाज़ा, जिससे पहले भी मैंने दिखाया, और वो देखिए एक भक्ति आके बैठे। सो मंदिर देखते देखते लग गई थी भूख, तो चलिए फटाफट से अभी ब्रेकफास्ट कर लिया है हमने वड़ा पाव, और फिर चलते हैं साइड सीन और स्पॉट के लिए देखने के लिए। सो अभी हम आ चुके हैं ओमकारेश्वर टेम्पल, जो कि शिव जी का टेम्पल है। अंदर चलते हैं, देखते हैं कैसे। तो आप देख रहे हो, ये रही मंदिर की प्रवेश द्वार। और ये देखिए मंदिर की अंदर है ये। ओमकारेश्वर टेम्पल, यहाँ पे अंदर पूजा भी चल रही थी। आप देख सकते हो एक बड़ा सा शिवलिंग, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए एक बड़ा सा शिवलिंग है और अंदर उसका पूजा भी चल रहा था। सो नेक्स्ट हम आए हैं गणेश जी के टेम्पल में, जो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पुराना टेम्पल है। जब यहाँ पे इलेक्शन चलता है तो वे लोग मतलब यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। मान्यता है बहुत इन लोगों में। चलिए अंदर चलते हैं। सो मंदिर के अंदर जाने के लिए आपको ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ता है, मतलब आप कोई भी शॉर्ट ड्रेस या फिर रिप जीन्स वैसे पहन के नहीं जा सकते। तो ये इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको दे दिया है। अभी फटाफट से मंदिर के अंदर थोड़ा सा दर्शन कर लेते हैं। तो जैसे कि मुझे लग रहा है कि ये चांदी से बना होगा, शायद सिल्वर। आगे भी मुझे दिखाई दे रही है। मकाय करते कधी कधी ती कुठून आले तर काळी जोगेश्वरी दत्त महाराज परमा असेल, कधी कुठून आले तर माशीला। सो अभी हम हमारे नेक्स्ट साइट सीन स्पॉट पे पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हो ये यहाँ के एक बहुत ही फेमस साइट सीन स्पॉट है, और जिसका नाम आप देख रहे हो शनिवार वड़ा। तो हमें बाहर से पता चला कि हमारे जो ऑटो ड्राइवर थे, ऑटो वाले भैया थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पे अंदर महाराजाओं का बहुत बड़ी ऊंची घर था, जो कि पानी में बह के टूट चुका था। तो ये जो आप लोहे के दरवाजे भी देख रहे हो, ये भी बहुत भारी था, इसको आप थोड़ा सा भी हाथ से हिला नहीं सकते हो। तो अंदर जाने के लिए आपको सबसे पहले टिकट लेना पड़ेगा, 25 रुपीज़ का टिकट है, आप देख सकते हो। टिकट कटने के बाद अभी हम लोग अंदर जाएंगे। अंदर बहुत ही एक ओपन सा स्पेस है, मैं अभी अंदर चल के आपको दिखाती हूँ। और राजा महाराजा की कुछ पुरानी चीज़ें वहाँ पे है, वहाँ पे कुछ लोगों को बंदी भी बनाया जाता था, तो जेल टाइप का भी छोटा छोटा सा बना हुआ है। तो ये एक बहुत ही
बड़ी ओपन स्पेस है, आप देख सकते हो। यहाँ पे आप फैमिली लेके, फ्रेंड्स को लेके आके बैठ सकते हो, घंटों भर गप्पे लगा सकते हो। और थोड़ा बहुत राज राजाओं की बात है तो आप इसको घूम के देख सकते हो। तो आप देख सकते हो हरे भरे छोटे से एक गार्डन टाइप का ही मुझे लगा, लेकिन हमारे ऑटो वाले भैया बोल रहे थे कि यहाँ पे बहुत ऊंची बिल्डिंग थी, मतलब महाराजाओं वाली जो घर होते थे पहले ज़माने में वैसी बिल्डिंग थी, पर अभी वो टूट चुकी है। तो ऐसे ही यहाँ पे थोड़ी बहुत पुरानी चीज़ों को इन्होंने संभाल के रखा है और यहाँ पे एक स्पॉट बनाया है। तो यही थी ओवरऑल शनिवार वड़ा। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्पॉट पे। तो अभी हम आ चुके हैं हमारी नेक्स्ट साइट सीन स्पॉट, इसका नाम है लाल महल। इसको मैं थोड़ा सा बाहर से आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि अंदर फोटोग्राफी मना है, वीडियो मैं नहीं बना पाई, इसलिए थोड़ा सा बाहर से ही मैंने आपको दिखा दिया। इस जगह का नाम है शिंड छतरी। सो अभी चलते हैं शिंड छतरी के अंदर। अंदर आते ही बहुत खूबसूरत छोटा सा महल टाइप का आपको देखने को मिलेगा। ये थोड़ा पुराना हो चुका था इसीलिए नए तरीके से इसको बनाया जा रहा है, पेंटिंग किया जा रहा है, पर ये इतना ज़्यादा अंदर से खूबसूरत है ना। और आप यहाँ पे बैठ भी सकते हो, यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है, आप दर्शन करके फिर यहाँ पे साइड में बैठ सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो कि काम अभी चल रहा है, लेकिन यहाँ पे भी एंट्री टिकट है तो आपको एंट्री देके ही यहाँ पे अंदर जाना पड़ेगा। और बाहर आपका थोड़ा एक छोटा छोटा सा चेयर टाइप का है, वहाँ पे भी आप इसको घूम के फिर बैठ सकते हैं। तो ये देखिए, और लास्ट में जो प्लेस मुझे सबसे ज़्यादा सुंदर लगा वो है आगा खान पैलेस। बाहर से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, अंदर चल के देखते हैं कि कितना खूबसूरत है। बाहर से तो ये बिल्कुल एक पैलेस की तरह लग रही थी, पर जब हम इसके अंदर गए तो हमने देखा कि यहाँ पे म्यूज़ियम टाइप का बना हुआ था, जहाँ पे गांधी जी के बारे में सब कुछ था। एक एक रूम पे गांधी जी के बारे में एक एक टाइप पे लिखा हुआ था। तो ये देखिए, ये गांधी म्यूज़ियम टाइप का ही बना है, पैलेस को इन्होंने म्यूज़ियम बना दिया है। तो अंदर गांधी जी की बड़ी बड़ी मूर्तियां है, गांधी जी ने जो जो काम किया है एग्जांपल के तौर पे, वो सब कुछ वहाँ पे दिखाया गया है। ये एक एक टाइप का रूम है, मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, लाइब्रेरी टाइप का बना है, यहाँ पे एक गाइड है जो आपको सब कुछ समझा देंगे। ओवरऑल मतलब ये एक गांधी म्यूज़ियम टाइप का ही बना हुआ है। बाहर से ये पैलेस है और अंदर से ये म्यूज़ियम टाइप का बना हुआ है, जहाँ पे अगर आप जाओगे तो गांधी जी के बारे में, उनके ज़िंदगी के बारे में, सब कुछ बारे में आप बहुत कुछ जान सकते हो। ये देखिए, ये गैलरी नंबर 2 है, कोई गैलरी नंबर 1 है, और बाहर भी बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन बना हुआ था। सो पुणे की साइट सीन बस यहीं पे ख़त्म होती है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मेरी फेस देख के आपको समझ में आ ही गई होगी कि मैं पूरा आइज भी नहीं खोल पा रही हूँ अपनी। तो अभी कहीं पे लंच करते हैं और लंच करके फिर एयरपोर्ट से वापस चलते हैं क्योंकि हमारी फ़्लाइट भी है थोड़ी देर बाद कोलकाता के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर एयरपोर्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। सो एयरपोर्ट के पास हमें एक रेस्टोरेंट मिला था और यहाँ पे हमने लिया था एक राजस्थानी थाली। तो फूड का रिव्यू भी मैं दे देती हूँ, फूड काफ़ी अच्छा था तो मैंने सोचा थोड़ा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। आप देख रहे हो एक राजस्थानी थाली है, तो अभी फटाफट से खाते हैं और चलते हैं एयरपोर्ट पे। सो अभी हम जा रहे हैं पुणे से भुवनेश्वर और फिर वहाँ से कोलकाता। तो चलिए फटाफट फ्लाइट पे बैठते हैं और अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। सो धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं अपने घर की तरफ और कोलकाता जाने की टाइम भी पास आ रही है तो एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो अभी बैठते हैं फटाफट से फ्लाइट के अंदर। तो
वीडियो को।
अभी हम भुवनेश्वर पहुंच चुके हैं और बहुत ही जल्दी लैंडिंग होने वाली है। तो ऊपर से बस मैं ये व्यू आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर रही हूँ, क्योंकि भुवनेश्वर सिटी तो आ चुकी है। सो फटाफट से यहाँ पर लैंड करते हैं और फिर टेक ऑफ करते हैं कोलकाता के लिए। सो अभी हम पहुँच चुके हैं मेरी होम टाउन यानी कि कोलकाता। सो कोलकाता आने से पहले, लैंडिंग से पहले एक बहुत ही खूबसूरत सा व्यू आता है। तो ये देखिए, ये है हम सबकी सिटी ऑफ जॉय यानी कि कोलकाता। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत दिनों बाद आई हूँ। सो बस यही तक की थी मेरी आज की ये वीडियो। मैंने पूरा जर्नी आपके साथ शेयर किया है। आप सबको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ में जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।